नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवास्था में। आज देवास्था के जरिए हम आपको पौष माह का महत्व व इस माह में पौष बड़े प्रसादी के बारे में जानकारी देंगे और ऐसे ही एक आयोजन में लेकर चलेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास का अपना महत्व होता है, उसी तरह पौष माह का भी एक अपना महत्व है। पौष माह में सूर्य की उपासना का महत्व है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस माह को पौष माह कहा जाता है। पौष माह में सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे मांगलिक कार्यों पर कुछ समय के लिए रोक लग जाती है। मकर संक्रांति का पर्व भी इसी माह में आता है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पौष माह में राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाए जाने वाले त्योहार है पौष बड़ा। पौष अर्थात पौष का महीना और बड़ा अर्थात दाल की नमकीन पकौड़ी। जयपुर में पौष बड़ा सबसे पहले घाट के बालाजी में लक्की पौष बड़ा महोत्सव सन 1960 में मनाया गया था, जिसमें लाखों लोगों ने पंगत प्रसादी ली थी। आज लोग इस त्योहार को अपनी सहूलियत के अनुसार दिन का चुनाव कर मनाते हैं। जयपुर में पौष माह के अंतर्गत कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब किसी कोने में पौष बड़े का आयोजन ना हो। इस माह जयपुर के प्रत्येक मंदिर में पौष बड़े का आयोजन किया जाता है। इसे शीतकालीन मौसम के स्वागत करने के लिए भी मनाया जाता है। मान्यता अनुसार सर्दी के मौसम में चोला की दाल व गेहूं के दलिये का हलवा या सूजी का हलवा खाने से शरीर को ताकत मिलती है, अतः सर्दी के अनुसार पकौड़े, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी आदि का भोग प्रसाद बनाकर बांटा जाता है। आइए आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही एक मंदिर में, जहां भजनों के पश्चात पौष बड़े का भोग लगाकर उसे आम जनता के लिए प्रसाद स्वरूप वितरण किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।